अनोखी न्यूज में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच में तनाव और कनाडा के 41 राजनयिकों की भारत से वापसी के मामले में अब अमेरिका ने फिर से बेवजह दखलअंदाजी की कोशिश की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि वो कनाडा के राजनयिकों के भारत से चले जाने से बेहद चिंतित है। अमेरिका का कहना है कि मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की जरूरत होती है, इसलिए वो भारत से अनुरोध करते हैं कि भारत विनया संधि का पालन करे। तो भारत विनया कन्वेंशन का पालन करे, मतभेद सुलझाने के लिए राजनयिक जरूरी है, भारत से विनया कन्वेंशन के पालन की उम्मीद करते हैं हम। अमेरिका ने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की जरूरत होती है और इसीलिए भारत से अनुरोध करते हैं कि जो वियना कन्वेंशन है उसका पालन किया जाए भारत द्वारा। तो भारत और कनाडा का जो विवाद चला आ रहा है उसमें अमेरिकी एंट्री पर हम बात कर रहे हैं, उस पर अपडेट आ रही है। जो कहा गया अमेरिका की तरफ से कि जो मतभेद आपके बीच में है भारत और कनाडा के बीच में, उसको सुलझाने के लिए ग्राउंड लेवल पर अब काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, भारत कनाडा विवाद पर किस तरह से यूएस की एंट्री है ये हम बता रहे हैं। कैनेडियन राजनयिकों के भारत जाने से चिंतित हैं ये कहा जा रहा है अमेरिका की ओर से। मतभेद सुलझाने के लिए जमीन पर राजनयिक जरूरी हैं और तमाम जो राजनयिक हैं उनकी मौजूदगी में कमी ना हो, इस बात पर जोर दे भारत कनाडा में चल रही जांच में सहयोग करें ये भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ वियना कन्वेंशन के पालन की उम्मीद की जा रही है। तो भारत और कनाडा के बीच विवाद है लेकिन अब इसमें यूएस की बड़ी एंट्री हो गई है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, जो विवाद चला आ रहा है यूएस की एंट्री पर और जिस तरीके से यूएस ने न सिर्फ इस पर एंट्री की इंटरवीन किया बल्कि ये कहा गया है जो मतभेद है उसको सुलझाने के लिए जमीन पर राजनयिकों की जरूरत अनिवार्य है। तो 41 राजनयिकों पर तिल मिला चुका है कनाडा, आपको बता दें भारत का फैसला है और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन, इस पर अमेरिका ने भी अपना इंटरवीन किया और बयान दिया। ऐसे सभी देशों को चिंतित होना चाहिए, आपको बता दें कूटनीति के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन, साथ ही साथ राजनयिक छूट को रद्द करना एक तरफा फैसला है। आपको ये भी बताते चले कि चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास स्थगित कर दिया गया है और सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, देखिए विवाद तो भारत और कनाडा के बीच है लेकिन अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है और अपनी ओर से तमाम अलग अलग कहीं ना कहीं एक सजेशंस के तौर पर उनकी ओर से बयान भी सामने आने लगे हैं। देखिए 18-19 सितंबर को जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से यह आरोप लगाया गया था उसके बाद से ही अमेरिका की भूमिका सवालों के घेरे में, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के तरफ से कहा गया कि भारत को ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए, कनाडा का कहीं ना कहीं उसके साथ हमदर्दी दिखाई गई, इससे लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन वियना कन्वेंशन का जहां तक सवाल है, वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है और इतना ही नहीं कनाडा का अपना जो बायलैटरल रिलेशन का उसकी जो विदेश मंत्रालय के नियम नियमावली है वो भी खुद ये कहता है कि इसके अंदर एक पैरिटी होनी चाहिए। शिवांगी अच्छी तरीके से जानती हैं कि डिप्लोमेसी के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है, यानी परस्परता होती है, आप जैसा व्यवहार खुद करते हैं सामने वाले से वैसे ही व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उसी लिए यह माना जाता है कि जितनी राजनयिक उपस्थिति कनाडा की भारत में है या भारत की कनाडा में है उसके अनुसार ही कनाडा भारत के अंदर रख सकता है। और जिस तरीके से शिकायतें सामने आई कि कनाडा के जो राजनयिक हैं वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल कर रहे हैं, उसके बाद किसी भी सरकार का ये विशेषाधिकार होता है कि वो कई बार ऐसे मामलों के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा भी करती है। यहां पे भारत की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, भारत ने केवल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विड्रॉ की है जिसके बाद कनाडा ने अपने राजनयिकों को करीब 41 राजनयिक और उसके बाद उनके 42 जो डिपेंडेंट हैं उनको यहां से विड्रॉ किया है। अब इस पूरे मामले के ऊपर अमेरिका की टिप्पणी कहीं ना कहीं भारत के लिए भी कहा जाए कि भारत को एक चेतावनी देने वाली है, भारत को यह समझाने वाली है, दिखाने वाली कि कनाडा के पीछे कहीं ना कहीं भारत के इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका की हमदर्दी जरूर है और जाहिर तौर पर भारत इस मामले को अमेरिका के साथ जरूर उठाएगा क्योंकि अमेरिका और भारत के बड़े करीबी रहे हैं। हम लौट रहे हैं आपके पास आप बड़ी डिटेल से इस पूरी खबर के इनपुट्स को साझा करें। इस बीच कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, प्रणय वो रिएक्शंस लेते हैं फिर लौटते हैं आपके पास। 41 कैनेडियन डिप्लोमैट्स एंड देयर 42 डिपेंडेंट्स वर इन डेंजर ऑफ हैविंग इम्यूनिटी स्ट्रिप्ड ऑन एन आर्बिट्रेरी डेट and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India.
बिल्कुल, तो आपने विदेश मंत्री का बयान भी सुना और देखिए प्रणय लगातार बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारतीय मूल के लोग कनाडा में इस वक्त रह रहे हैं, गाइडलाइंस उनके लिए भी जारी की गई है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या है और किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए मौजूदा परिस्थिति जो है वो सारी कुछ शुरू हुई 19 सितंबर को, जब कनाडा की संसद में खड़े होकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत में एक वांटेड खालिस्तानी आतंकी था जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया था, उसकी हत्या के पीछे भारत का हाथ है, ये बड़ा आरोप लगाया गया। और इस आरोप के बाद भारत की अपेक्षा थी कि कनाडा की तरफ से कोई सबूत दिए जाएं, आज तक कोई सबूत कनाडा की तरफ से नहीं दिया गया है, यानी एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है उन आरोपों को सब्सटैंशिएट करने के लिए, कनाडा की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया। इसके अलावा जब जी मीडिया ने भी कनाडा की पुलिस से इस मामले में सवाल किया था कि आखिर उनका इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या इस मामले में किसी भारतीय को गिरफ्तार या उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उन्होंने कहा अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में जमीनी स्थिति की अगर बात की जाए तो इसमें राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनकी पार्टी, जिनकी इस समय रेटिंग काफी नीचे जा रही है, वो घरेलू मोर्चे के ऊपर, कई मोर्चों के ऊपर इस समय घिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर घरेलू राजनीति और अपना चेहरा चमकाने की सियासत ज्यादा नजर आ रही है बजाय कि इस मामले पर किसी लॉजिकल एंड के। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई थी कि जो C5 कंट्रीज हैं, यानी जो 4i कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई कनाडा के साथ, उसके बाद ही कनाडा ने ये आरोप लगाए हैं, अमेरिका की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं उस थ्योरी की तरफ इशारा जरूर करती है कि कोई जानकारी हो सकता है अमेरिका ने साझा की हो या इस तमाम चीजों के पीछे अमेरिका हो। हालांकि अमेरिका ने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा है और न भारत की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है कि इसके पीछे अमेरिका है या अमेरिका का कोई हाथ हो सकता है, लेकिन अमेरिका की प्रतिक्रियाएं जाहिर तौर के ऊपर यहां सवाल इसलिए खड़ा करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां है कि जिस वियना संधि की बात कनाडा कर रहा है, जिस वियना संधि की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, उसी वियना संधि के अंदर इस बात का प्रावधान है कि डिप्लोमेटिक पेनल्टी रखी जा सकती है। तमाम डिटेल्स आपने साझा की, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही थी और उस पर तमाम जानकारियां प्रणय उपाध्याय हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव थे। शुक्रिया प्रणय, आपका कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लगातार लौटते रहेंगे आपके पास। जी